मथुरा के बलदेव थाना इलाके के यमुना एक्सप्रेस की बड़ी घटना, जिसमें 12 सवारियां घायल हो गई हैं और 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। आपको बता दें कि यमुना एक्सप्रेस पर आए दिन हादसे देखने को मिलते हैं। यमुना एक्सप्रेस पर अधिकतर हादसे से सुबह के वक्त होते हैं। ज्यादातर हादसों में चालकों की नींद लगना हादसों का कारण होता है। आज सुबह आगरा से नोएडा की तरफ जा रही तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई और बस डिवाइडर के पास बने अंडरपास की रेलिंग पर लटक गई। बस में करीब 1 दर्जन सवारियां घायल हो गई हैं, जिसमें से 2 लोगों की घायल अवस्था में गंभीर बताई जा रही है। बस में करीब 40 सवारियां सवार थी। सवारियों की चीख पुकार सुनकर घटनास्थल यमुना एक्सप्रेस पर वे के कर्मचारी मौके पर पहुंच गए और घटना की जानकारी स्थानीय पुलिस को दी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया। बताया जा रहा है कि यह हादसा डिवाइडर को नींद की झपकी आने के कारण हुआ है। बस तेज रफ्तार में चल रही थी, अचानक डिवाइडर को नींद की झपकी आई और गाड़ी अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। यमुना एक्सप्रेसवे पर बने अंडरपास की रेलिंग पर लटक गई। बस जिस तरह रेलिंग पर लटक रही है, उसको देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगर ऊपर से बस नीचे गिरती तो कितना बड़ा हादसा हो सकता था, जिसमें कई लोगों की जान भी जा सकती थी। परंतु गनीमत यह रही कि बस रेलिंग पर लटकी ही रही, जिसके चलते एक बड़ा हादसा होने से चल गया। आगरा से नई दिल्ली के लिए जा रही थी बस। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजेंद्र सिंह वैद्य है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं दिल्ली का हूँ, गोंडा का। अच्छा, क्या घटना हुई? घटना कर रही है कर ड्राइवर से कर आग झपकी थी और उसे अंधेरे में कुछ नहीं दिखाई दिया था। अच्छा, कहाँ पे एक्सीडेंट हुआ, कैसे हुआ? ये मथुरा से पहले कर हुआ था। कहाँ जा रहे थे आप लोग? अब दिल्ली जा रहे थे हम। कहाँ से? ये बबीना से आए थे हम सत्संग में से। अच्छा, कहाँ किसके यहाँ सत्संग किया था आपने? ये बबीना कर मंदिर में कर दी स्थापना कर। अच्छा, ये पहाड़ी वाला मंदिर है, बबीना माँ वाल्मीकि मंदिर जी, वहाँ से आ रहे थे हम। कितने लोग घायल हुए हैं आपके? काफ़ी आदमी घायल हुआ है। अंदाज कितनी है? कर अंदाज नहीं कर जी कर। सर, ये एक एक्सीडेंट हुआ है, कितने लोग घायल हैं इसमें? ये जनपद मथुरा में थाना बलदेव के अंतर्गत नोएडा से आगरा से नोएडा की तरफ 125 किलोमीटर पर ये बस डिवाइडर से टकराई है। यह बस बबीना से नई दिल्ली जा रही थी और इसमें सारे लोग लगभग एक ही परिवार के हैं और या आसपास के क्षेत्र के रहने वाले हैं जो दिल्ली में ही रहते हैं। ये बेसिकली करीब 5 बजे के लगभग की घटना है, जो बस डिवाइडर से टकराई और कुछ भाग डिवाइडर के बीच में वो लटक भी गई, जिससे करीब 10 लोगों को चोटें आई हैं और इनको जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये किसी की गंभीर हालत बताई जा रही है सर? हाँ, एक व्यक्ति नेती अस्पताल में गया है और लगभग 3-4 लोगों की स्थिति गंभीर है, जिनको गुमशुदा चोटें हैं, लेकिन अब डॉक्टरों के हिसाब से जो भी कहा जाए सभी खतरे से बाहर बताया जा रहा है। लेकिन कोई सर किसी की कैजुअल्टी वगैरह कोई नहीं? कैजुअल्टी सूचना ऑन द स्पॉट नहीं है, न अस्पताल में अभी तक है, क्योंकि हम मौका मुआयना वहाँ भी किए हैं जो हमारा हाईवे एक्सप्रेस वे है। इसके अलावा मैं अस्पताल में ही देख रहा हूँ, अभी ऐसी कोई सूचना कैजुअल्टी की नहीं। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lightning. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।